कोरोना वायरस के खतरे की वजह से बहुत से लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर हैंड सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल होता है। ऐसे में इसके इस्तेमाल में सावधानी बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के खौफ के चलते हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल में भारी इजाफा हुआ है। लोग बिना उससे जुड़ी सावधानियों को समझे बिना सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से एक मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स ने गलती से हैंड सैनिटाइजर अपने कपड़ों पर गिरा लिया और जब वो रसोई गैस के पास खड़ा था, इसी वजह से उसके कपड़ों में आग लग गई और उसे दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक वह शख्स 35% जल गया है। हालांकि उसकी हालत अब स्थिर है। आइए जानते हैं कि क्यों हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। फिलहाल हर किसी को कोरोना वायरस का खतरा है, ऐसे में हाथ साफ रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर ने यूं तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की सलाह दी है, मगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल खूब हो रहा है। WHO के अनुसार लोगों को अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और इनमें कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए। चूंकि हैंड सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल होता है, ऐसे में वो बेहद ज्वलनशील होते हैं, यानी उनमें बड़ी तेजी से आग लग सकती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि सैनिटाइजर को ऐसी जगह के पास ना इस्तेमाल करें जहां आग लगने की संभावना हो, जैसे रसोई घर, लाइटर, माचिस आदि। कैसे इस्तेमाल करें सैनिटाइजर? अगर आपके हाथ गंदे हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें। पहले साबुन और पानी से धो लें। हैंड सैनिटाइजर में मौजूद अल्कोहल तभी काम करता है जब आपके हाथ सूखे हों। ऐसे में आप सैनिटाइजर की 2-3 बूंदें लें और उसे हाथों पर रगड़ें और साथ ही उंगलियों के बीच में सफाई करें और हथेलियों के पीछे भी लगाएं। सूखने से पहले सैनिटाइजर को ना पोंछें और ना ही धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल वहीं करें जहां साबुन और पानी ना हो। घर पर रहने के दौरान 4 से 5 बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। घर से बाहर निकलने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार सैनिटाइजर कोरोना वायरस से लड़ने में साबुन जितना कारगर नहीं है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वही सैनिटाइजर असरदार होगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होगी। घरों में इस्तेमाल होने वाला साबुन सैनिटाइजर के मुकाबले ज़्यादा असरदार है। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।